सर्च करें जस्ट सीखो चैनल को और देखें जस्ट सीखो के सारे वीडियो को। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। समाज डिटेल्स में बात करेंगे फ्रीडम 100 के अपडेटेड प्लान के बारे में, जिसमें आप कैसे इनकम कर सकते हैं और फ्रीडम 100 में ही काम करने से आपको क्या फायदा होगा। देखिए, फ्रीडम 100 एक जनरेशन लेवल प्लान है जिसमें टोटल 15 लेवल है। किसी भी लेवल पर आप अनलिमिटेड लोगों को ऐड कर सकते हो। जितने भी आप डायरेक्ट करेंगे वह सभी आपके फर्स्ट लेवल पर जाते हैं, और फर्स्ट लेवल पर जो भी काम करता है वह सभी सारे जो है वो सेकंड लेवल पर जाते हैं। इस प्लान में आपको टोटल 5 तरह की इनकम करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें वर्किंग इनकम, वर्किंग बोनस इनकम, रॉयल्टी इनकम, फ्रेंचाइज इनकम और रिचार्ज इनकम मिलती है। इस प्लान की प्रोडक्ट कॉस्ट 118 रुपए है, जिसमें 18 रुपए GST लिया जाता है और 100 रुपए का मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज कैशबैक आपको इमीडिएटली मिल जाता है। एक समय पे आप 2% कैशबैक में से यूज कर सकते हैं, यानी कि जब कभी भी आप रिचार्ज करेंगे 2% आपके कैशबैक वाउचर में से डिडक्ट होगा, बाकी के आपको मैन अकाउंट या फिर आप रिचार्ज वॉलेट से कंज्यूम कर सकते हैं। इस वीडियो को देखते हुए लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, जिसमें आपको रिचार्ज कैसे करें, किस तरह से ट्रांजेक्शन पासवर्ड करें, सारी जानकारी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इस प्लान में आपका जब कभी 100 रुपए का कैशबैक खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रिचार्ज लेवल इनकम करने की। अगर आप सेल्फ कोई भी रिचार्ज करते हैं तो आपको उस रिचार्ज वैल्यू का 2% कमीशन जनरेट होता है, यानी कि मान लें आपने 500 रुपए का रिचार्ज किया है तो 10 रुपए कमीशन जनरेट होगा, 50% यानी कि 5 रुपए आपको सेल्फ इनकम हो जाएगी और बाकी की इनकम जो है वो लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। टोटल 10 लेवल पर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट लेवल पर 13%, सेकंड लेवल पर 5%। इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस लेवल पर आपको कितना परसेंटेज इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। वर्किंग लेवल इनकम, इस प्लान में टोटल 15 लेवल है, तो आपको 15 लेवल तक इनकम करने का मौका मिलता है। जितने भी स्पॉन्सर आप डायरेक्ट में करते हैं, अपनी आईडी से डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, उनके आपको फर्स्ट लेवल के 40 रुपये इनकम मिलती है। अनलिमिटेड डायरेक्ट आप करके इनकम कर सकते हैं। जितने लोगों को भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे वह सभी आपके फर्स्ट लेवल पर रहेंगे, और फर्स्ट लेवल के जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं वो जब भी काम करेंगे तो आपको उसकी सेकंड लेवल की इनकम आएगी। सेकंड लेवल के जो भी आपके मेंबर्स हैं वो जब भी काम करेंगे थर्ड लेवल की इनकम आपको आएगी। इस तरह से आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि 15 लेवल में हर एक लेवल पर आपको किस प्रकार से इनकम जनरेट होती है। आप एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें लेवल फिलिंग होती है। किसी भी लेवल पर आप अनलिमिटेड ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड काउंट वहां पर हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर अगर एक नॉर्मल सी प्रोसेस फॉलो करते हैं, मान लीजिए कि आपने किन्हीं भी 3 वर्किंग लीडर को ज्वाइन कराया है और वो वर्किंग लीडर भी 3-3 को ज्वाइन कराते हैं, इस तरह से सभी अपना काम करते हैं अगर, और 15 लेवल तक सभी 3-3 लोगों को अच्छे से ईमानदारी से ज्वाइन कराते जाते हैं और सभी अपना काम बखूबी करते हैं, तो बिल्कुल आप 45 डेज के अंदर 4,30,00,000 रुपए तक की इनकम कर सकते हैं, जो कि पूरी कैलकुलेटेड है। सभी को केवल और केवल 3 नए लोगों को ज्वाइन कराना है, जो कि आगे भी 3 लोगों को जोड़ सकें। बोनस वर्किंग इनकम, बोनस वर्किंग इनकम एक ऐसी इनकम है जो कि कंपनी के बिजनेस के टर्नओवर से आपको मिलती है। जब कभी आपकी आईडी लगाने के बाद में अगर आप 3 डायरेक्ट अपने कर लेते हैं तो आप बोनस वर्किंग इनकम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कंपनी का जो भी टर्नओवर होता है, सपोज कंपनी ने एग्जांपल के तौर पर 50,000 रुपये का टर्नओवर एक दिन में किया है, तो उसका 20% सभी जो अमाउंट है वो बोनस वर्किंग इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 50,000 रुपये का 20% 10,000 रुपये होता है, तो 10,000 रुपये उन सभी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सपोज फर्स्ट कैटेगरी है 3-5 डायरेक्ट, जिसने 3-5 डायरेक्ट किए हैं तो 10,000 का 20% उस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 6-25 जिसने डायरेक्ट किए हैं उसको भी 20% डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 26-50 जिसने डायरेक्ट किए हैं वो एक थर्ड कैटेगरी है, उसमें भी 20% डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरह से 51-80 डायरेक्ट जिसने किए हैं फोर्थ कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसको भी 20% डिस्ट्रीब्यूट होगा। 81-90 जिसने किए हैं जो टॉप कैटेगरी है, उसको भी वो 20% डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिसने जैसा वर्किंग किया है उसके अकॉर्डिंग उसको 12,490 रुपये की बोनस वर्किंग इनकम तेजी से आना शुरू होगी। 20% यानी कि टोटल बिजनेस के 20% का 20-20% हर कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम प्राप्त करने के लिए आपको आपकी आईडी एक्टिवेट करने के बाद 20 डायरेक्ट स्पॉन्सर को स्पॉन्सर करना होता है, 20 डायरेक्ट आपको करना होता है, जिससे कि आपको रॉयल्टी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। रॉयल्टी इनकम कंपनी के बिजनेस टर्नओवर का 5% आपको डेली के डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, भाई 50,000 तक अगर कंपनी ने बिजनेस किया है तो उसका 5% 2,500 रुपये उन सभी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिन्होंने 20 डायरेक्ट किए हैं। उसमें सिंपल सी एक कंडीशन है, जब कभी भी आप 20 डायरेक्ट कर लेते हैं तो 30 दिन के लिए आपको रॉयल्टी इनकम मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने 30 दिन के बाद मिनिमम एक डायरेक्ट नहीं किया है तो वो अगले 30 दिन के लिए एक्सटेंड नहीं होगी, यानी कि आपको हर 30 दिन में मिनिमम एक डायरेक्ट करना होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको रॉयल्टी इनकम आना स्टॉप हो जाएगी। फ्रेंचाइज इनकम, फ्रेंचाइज इनकम लेने के लिए दिए हुए स्क्रीन के नंबर पर हमारे सेल्स हेड को कॉल लगा के आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनर बनके आप एज अ फ्रेंचाइज होल्डर काम कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरह की फ्रेंचाइज ऑप्शन अवेलेबल है, पहला सिटी लेवल फ्रेंचाइज और सेकंड स्टेट लेवल फ्रेंचाइज। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सेल्स हेड से बात कर सकते हैं। ऑफर जो है बिजनेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइज के चेंज होते रहते हैं।
इसके अलावा हमारे अपग्रेडेड प्लान भी अवेलेबल है, जिसमें हमारे दो तरह के अपग्रेडेड प्लान है, पहला 500 का और दूसरा 1500 रुपए का। दो तरह के बोनस वर्किंग प्लान में आपको काम करने का मौका मिलता है। इन दोनों प्लान में से हम 500 के प्लान को एग्जाम्पल के तौर पर पूरा आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस प्लान में एंट्री लेने के लिए आपके मिनिमम बेसिक प्लान के मिनिमम 3 डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि 118 प्लान के आपको मिनिमम 3 डायरेक्ट होना चाहिए। इस प्लान में आपको प्रोडक्ट के माध्यम से फ्रीडम 100 वाइट शर्ट दिया जाता है, जिसका आपको डिलीवरी एंड GST चार्जेस एडमिन को देना होता है। उसके बाद आपका दिए हुए पोस्टल एड्रेस पर कंपनी की ओर से आपका फ्रीडम 100 वाइट शर्ट जो है वो डिस्पैच कर दिया जाता है। इस प्लान में आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उसकी सिंपल सी प्रोसेस है। आपके यूजर पैनल में दो तरह के वॉलेट होते हैं, एक मैन वॉलेट और एक दूसरा अपग्रेड वॉलेट। अपग्रेड वॉलेट में जब कभी भी 500 का फंड आपको हो जाता है तो आप इस प्लान में आईडी को अपग्रेड करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके अपग्रेड वॉलेट में उतना बैलेंस नहीं है तो आप अपने मेन वॉलेट से भी अपग्रेड वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करके भी आईडी को अपग्रेड करा सकते हैं। और सपोज आपके फिर भी अगर पैसा उतना अवेलेबल नहीं है तो हमारी कंपनी एडमिन को आप अलग से अमाउंट पे करके अपग्रेड बैलेंस में बैलेंस लेकर भी अपनी आईडी को अपग्रेड करा सकते हैं। इस तरह से आपको 3 तरह के विकल्प इसमें मिलते हैं अपग्रेड कराने के लिए। इस प्लान में आपको 3 तरह की इनकम करने की अपॉर्चुनिटी होती है। पहली डायरेक्ट इनकम, सपोज आपने अपनी आईडी को अपग्रेड करा लिया है, उसके बाद अगर कोई भी डाउनलाइन जो 118 रुपए के सैलरी स्पॉन्सर हैं और वो भी अपनी आईडी को 500 में अपग्रेड कराते हैं तो आपको इसमें डायरेक्ट इनकम मिलती है। पहली इनकम फर्स्ट अपलाइन को मिलती है 70 रुपए और सेकंड 30 रुपीज सेकंड अपलाइन को इनकम जाती है। दूसरी इनकम होती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम लेने के लिए आपकी आईडी अपग्रेड होने के बाद आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर के भी मिनिमम 5 आईडी अपग्रेड होना जरूरी है। अगर उनकी 5 आईडी अपग्रेड हो जाती है तो आप रॉयल्टी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रॉयल्टी इनकम में आपको कंपनी के 500 रुपीज के बिजनेस का 5% टर्नओवर का डेली के डेली बेसिस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने 500 के प्लान में 20,000 का अगर बिजनेस किया है तो उसका 5% जितना भी अमाउंट है उन सभी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जिन्होंने अपनी आईडी अपग्रेड करने के बाद में 5 लोगों से अपनी 500 के प्लान में आईडी को अपग्रेड कराया है। इसके अलावा थर्ड इनकम है बोनस वर्किंग इनकम। 1,16,000 रुपए की इनकम आप डे फर्स्ट से इस प्लान में कर सकते हैं। उसकी कैटेगरी सिंपल है, आप जितना अच्छा इसमें काम करेंगे उस हिसाब से आपको बोनस वर्किंग इनकम आना फास्ट हो जाएगी। सपोज अगर आपके 0 to 5 डायरेक्ट हैं तो आप फर्स्ट बकेट में हैं, 6 से 20, सेकंड बकेट में इसी तरह से 21 से 40, थर्ड बकेट 41 से 80, फोर्थ बकेट और 81 इन अबाउट टॉप बकेट है। तो इस प्लान में 500 के प्लान में जितना भी बिजनेस होता है उसका 40% अमाउंट जो है, सपोज बात करते हैं 20,000 का कंपनी ने बिजनेस किया है तो उसका 40% 8,000 रुपीज़ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जिस किसी भी स्लैब में हैं, जिस किसी कैटेगरी में हैं, उस हिसाब से आपको 20-20% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 8,000 का 20%, यानी कि जितना बिजनेस हुआ है उसका 40%, 20,000 का बिजनेस हुआ है तो उसका 40% 8,000 होता है। 8,000 का 20% आपको 0 to 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद 6 to 20 में 20% डिस्ट्रीब्यूट होगा। उस हिसाब से हर कैटेगरी में 40% का 20-20% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें 1,16,000 रुपये करने की इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है। फ्रीडम 100 आपको मिनिमम 40 रुपये अगर आपके अकाउंट बैलेंस है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपके 3 डायरेक्ट होना जरूरी है। 24 से 48 घंटे में KYC कंप्लीट होने के बाद आपको जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए उसमें आपका पैसा कंपनी की ओर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको इसमें 5% एडमिन चार्जेस और 5% GST चार्जेस एप्लीकेबल होता है।